हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटेन लर्निंग। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये सब्जेक्ट, ये पेपर आपका पार्ट हो जाता है BBA 4th सेम का, और इस पेपर का पेपर कोड हो जाता है BBA 405। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जाम में, जिसमें हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छी रिसर्च में, और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से, आपका सब्जेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि रिसर्च को करने का मेथड क्या है, ये आपका पूरा सब कुछ स्टडी करना होता है आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में। सो रिसर्च क्या होती है, देखिए रिसर्च टू वर्ड से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री जो पहले हो चुका है उसको दोबारा से उसमें कुछ अलग से एड ऑन करना इज नोन एज रिसर्च। आपके रिसर्च डिस्कवरी होती है, कुछ भी न्यू फिनोमिना ढूंढने की डिस्कवरी को बोला जाता है रिसर्च। आपकी रिसर्च इनोवेटिव होती है, जब भी कुछ भी ऑलरेडी गैदर्ड इंफॉर्मेशन में कुछ भी एड ऑन होता है तो उसे बोला जाता है रिसर्च। आइए देख लेते हैं, रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। देखिए रिसर्च करने से पहले आपको पहले ही पूरा ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे एक पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहते हैं और किस रिजल्ट तक आप पहुंचना चाहते हैं। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है जो कि डायरेक्ट करती है डिस्कवरी को, कि आप कुछ भी न्यू सर्च करें, डेवलप करती है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को, नॉलेज में कुछ भी इनहेंस होता है तो वो आपकी कहलाती है रिसर्च। अब अगर हम नेचर की बात करते हैं तो रिसर्च देखिए एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, जैसे मैंने बताया लॉजिकल प्रोसेस है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, रिसर्च बेस्ड होता है एविडेंस पे। देखिए अगर आप कुछ भी न्यू डिस्कवरी कर रहे हैं तो उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसे प्रूफ कर पाएंगे। कंट्रोल्ड होती है आपकी रिसर्च नेचर में, ये आपके नेचर हो जाते हैं रिसर्च के। अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए कुछ भी जो पहले से गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ भी एक्सप्लेन करना, कुछ भी एड ऑन करना, और उस एड ऑन में वो सारी चीज़ें आएंगी जो अननोन है, मीन्स जो अभी तक किसी को पता नहीं है। रिसर्च कुछ भी नया जानने के लिए की जाती है, तो रिसर्च का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू एक्सप्लोर अबाउट अननोन, टू डिस्क्राइब द फीचर्स, टू एक्सप्लेन फिनोमिना, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एंड टू इन्फ्लुएंस एक्टिविटीज। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ईजी टू अंडरस्टूड पॉइंट्स है। अब अगर मैं बात करूं कि एक अच्छी रिसर्च में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, देखिए आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। एक अच्छी रिसर्च वही होती है जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका एम क्लियर हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आगे भी रिसर्च हो सके, रिलायबिलिटी हो कि हर बार आपकी रिसर्च जो आपने रिजल्ट निकाला है आपकी रिसर्च का वो हर बार सेम आए, वो आपका कहलाता है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी हो, ऐसा ना हो कि आपकी रिसर्च अभी करेंट सिनेरियो को देख के हो रही है, आगे भी वो वैलिड रहे। एक्यूरेसी हो, और आपका रिजल्ट ऐसा हो जो जर्नलाइज हो सके, जिसे आगे भी दूसरे पर्सन यूज कर सके अपने रिसर्च में, ये अच्छे रिसर्च की आपकी क्वालिटीज हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि प्योर रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, बताइए इसके बारे में। सो यहाँ पर मैंने टोटल टाइप्स ऑफ रिसर्च को लिख दिया है। देखिए प्योर रिसर्च आपकी फंडामेंटल रिसर्च होती है, थियोरेटिकल रिसर्च भी जिसे बोला जाता है, अप्लाई कि आप जिसे अप्लाई कर सके, आपकी कोई प्रॉब्लम हुई, आपने सोल्यूशन निकाला और उसे अप्लाई कर दिया, वो आपकी अप्लाइड रिसर्च है। एक्शन रिसर्च जो तुरंत के तुरंत की जाती है वो आपकी एक्शन रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी जहाँ पे आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं सॉरी, वो आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगी। डिस्क्रिप्टिव, कैजुअल, थियोरेटिकल, एम्पिरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये आपके फर्दर टाइप्स हो जाते हैं रिसर्च के। अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे क्या स्टेप्स होता है रिसर्च को करने का। देखिए सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव, आप अपना टॉपिक देखेंगे, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम। रिसर्च कब होगी, जब कोई प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही रिसर्च करी जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसे रिव्यू करेंगे, मीन्स लिटरेचर रिव्यू होगा,
फॉर्मुलेशन होगा आपके हाइपोथेसिस का. देखिए हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, एक टेंटेटिव फिनोमिना होता है किसी भी रिसर्च को लेकर. टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव. इंपॉर्टेंट है ये भी. रिसर्च डिजाइन बनाएंगे. देखिए रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ब्लूप्रिंट कि आप कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं, पूरा स्टेप बनाना. उसके बाद अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे और उसके बाद जर्नलाइज कर देंगे अपने रिसर्च को, और उसके बाद आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाएंगे. सो ये आपका टोटल प्रोसेस होता है रिसर्च का. आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रोसेस क्या है एक रिसर्च का, कैसे क्या प्रॉब्लम होती है किसी भी रिसर्च को करने के लिए एक रिसर्चर को, यह आपको डिस्क्राइब करना है. डिस्क्राइब द प्रोसेस, प्रिकॉशंस एंड नेसेसिटी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. आप रिसर्च प्रॉब्लम जो भी आपके रिसर्च के दौरान आएगी, आप उससे कैसे बचेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रिकॉशंस आप लेने वाले हैं, ये सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में. इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रिसर्च डिजाइन. देखिए रिसर्च डिजाइन क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च करने वाले हैं उससे पहले आप एक डिजाइन बनाते हैं कि मैं कैसे कैसे रिसर्च करूंगा, कहाँ से अपना सैंपल लेने वाला हूँ, किस एरिया पे मैं अपना टारगेट करने वाला हूँ. ये आपका रिसर्च डिजाइन होता है. इसके फीचर एंड इम्पोर्टेंस आपको डिस्क्राइब करने हैं. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डेटा क्या होता है. देखिए रिसर्च में डेटा का मेन रोल होता है. टू टाइप्स का आपका डेटा होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा और सेकेंडरी डेटा को सेकेंड हैंड डेटा भी बोला जाता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं. जैसे आपके प्राइमरी डेटा का इम्पोर्टेंट मेथड हो जाता है क्वेश्चन आयर मेथड. इससे क्वेश्चन आपसे इंडिविजुअली भी रेज हो सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन आयर मेथड क्या होता है डेटा कलेक्शन का. सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है. नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सैंपल क्या होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं गुड सैंपल के, इसके एडवांटेजेस और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सैंपलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपका सैंपल टू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट करे आपके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को. देखिए सैंपल क्या है, जब आप टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से अपने रिसर्च के लिए कुछ सैंपल लेते हैं, सेलेक्टिव पीसेस लेते हैं, सेलेक्टिव चीजें लेते हैं, तो उसे बोला जाता है सैंपल. सो आपका सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन का. आपका सैंपल साइज फ्री होना चाहिए बायसनेस से, एक्यूरेट होना चाहिए, अप्रोचेबल होना चाहिए. आपके सैंपल का साइज गुड होना चाहिए जो कि वो रिप्रेजेंट कर सके आपके टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को. गोल ओरिएंटेड आपका होना चाहिए. ये आपके करेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं सैंपल साइज के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सैंपलिंग क्या होती है, इसके टाइप्स बताइए. देखिए टू टाइप्स की आपकी सैंपलिंग होती है. अगेन किसी भी वन टाइप ऑफ सैंपलिंग से भी शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन रेज हो सकता है. आपको अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर करना है. यहाँ पर टू टाइप्स की सैंपलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही रैंडम सैंपलिंग भी बोला जाता है. यहाँ पर हर एक सैंपल के पास में इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का. और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अपोजिट हो जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम सैंपलिंग से. प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आगे फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट हो जाती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड एरिया. वहीं अगर मैं बात करूँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की, तो उसमें हो जाते हैं कन्वीनियंस, परपोजिव, स्नोबॉल इंपॉर्टेंट सैंपलिंग है, आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, एंड जजमेंट सैंपलिंग. ये आपकी टू टाइप्स ऑफ सैंपलिंग होती है, जिसको फर्दर अनदर पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैंपलिंग को डिफाइन करना है और नॉन सैंपलिंग एरर. सैंपलिंग एरर एंड नॉन सैंपलिंग एरर. देखिए सैंपल कलेक्ट करते हुए जो एरर होती है उसे सैंपलिंग एरर बोलते हैं. टू टाइप्स की होती है, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे. सो इसे रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, टेबुलेशन, पाई चार्ट, आपका बार डायग्राम, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ. ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के. ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका रिसर्च रिपोर्ट का, कि रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है. देखिए आप अपने रिसर्च के होने के बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं जो पूरी समरी होती है आपके रिसर्च के प्रोसेस की. सो उसे बोला जाता है रिसर्च रिपोर्ट. इसके स्टेप्स, रिसर्च रिपोर्ट प्रोसेस बनाने के, रिसर्च रिपोर्ट को डिजाइन करने के स्टेप्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है.
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन हो जाता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें चाई स्क्वायर टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग एंड शॉर्ट कैसे भी आपसे क्वेश्चन रेज हो सकता है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं टेस्ट के। सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन किसी भी वे में रेज हो सकता है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए टू टाइप्स का आपका हाइपोथेसिस होता है, नल एंड अल्टरनेटिव। नल जहां पर टू वेरिएबल्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, जो रिजेक्ट हो जाता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जहां पर डिफरेंस होता है, टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाता है। देखिए एरर भी हाइपोथेसिस का ही पार्ट होती है, टाइप वन एंड टाइप टू एरर। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये सभी क्वेश्चंस थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी के बीच में क्या डिफरेंस है। अच्छे से पढ़ना है ये आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज सैंपल, ये सैंपल है। सैंपल साइज क्या होता है, सैंपलिंग एरर, सेंसिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, एनोवा, जेड टेक्स, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, चाई स्क्वायर टेस्ट, मीन्स इनमें से किसी से भी आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन रेज हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चनायर से रिलेटेड, हाइपोथेसिस या फिर बिब्लोग्राफी, आपका रेफरेंस जो जो आपने अपने रिसर्च में यूज करा है वो आपका बिब्लोग्राफी होता है। रिसर्च डिजाइन या फिर रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सैम्पलिंग एरर क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग, पाई चार्ट या फिर टेबुलेशन, या फिर एक्सप्लेन करना है रिपोर्ट को। ये आपके टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी। आई होप ये क्वेश्चन से आपको एग्जाम्स में हेल्प मिले, आप अपने एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, अपने एग्जाम को अच्छे से कवर कर पाएँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़।